असलम स्टूडेंट्स दिस इज कंटिन्यूएशन ऑफ आर प्रीवियस लेक्चर इन विच वी वर डिस्कसिंग आइटम्स इन क्इक बुक्स पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि किस टाइप के आइटम्स हम क्विक बुक्स में बना सकते हैं और बनाने चाहिए हमने ये देखा है कि हमारे तमाम इन्वेंट्री आइटम्स रजिस्टर होने चाहिए क्इक बुक्स में इसी तरह सर्विस के हम जितने आइटम्स इस्तेमाल करते हैं वो सारे के सारे हम क्विक बुक्स में रजिस्टर करेंगे इसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे इस तरह के आइटम्स होते हैं जो कि नॉन इन्वेंट्री आइटम्स होते हैं ये वो आइटम्स होते हैं जो कि हम अपने दफ्तर में ही कंज्यूम कर लेते हैं लेकिन क्योंकि हम खरीदते हैं और इसका ट्रैक रखना चाहते हैं ताकि हमें पता चल सके हमने कितना खर्चा किया है तो वी क्रिएट सच नॉन इन्वेंट्री आइटम्स एज वेल देन वी वेंट ऑन टू अदर चार्जेस चार्ज आइटम वो होते हैं जो कि मेन जो आप सर्विस या मेन जो आप अपनी गुड्स सप्लाई कर रहे हैं उससे हट के इजाफी चार्जेस होते हैं मिसाल के तौर पे कोई भी हॉलेज के चार्ज कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस शिपिंग चार्जेस ये तमाम चार्जेस आर एन एड ऑन टू द कॉस्ट ऑफ योर सर्विस और योर गुड्स दैट यू आर सप्लाइंग दे आर ऑल्सो ट्रीटेड एज आइटम्स विद इन क्विक बुक्स आज जिस टॉपिक को हम लेके चल रहे हैं वो हैं वो आइटम्स जहां हम एक से ज़्यादा आइटम को एक जगह ग्रुप कर लेते हैं अब ये कैसे मुमकिन होता है अगर आप बड़े स्टोर्स में जाएं तो आप देखते हैं कि एक आइटम के साथ बाज दफ़ा कोई ना कोई और चीज़ उसके साथ स्कॉच टेप के साथ चिपका दी गई होती है मिसाल के तौर पे किसी डिटर्जेंट पाउडर के साथ कोई वॉशिंग पाउडर मिला दिया गया होता है और एज ए सिंगल आइटम सेल किया जा रहा होता है या बाज दफा अगर आप देखें तो छोटे छोटे पाउचेस मिला के पांच या छः पैक मिला कर एक डब्बा बना दिया गया होता है जब इस तरह की नौयत की आइटम्स हमारे पास मौजूद हों तो हमको हम उनको ट्रीट करते हैं एज ग्रुप आइटम्स लेकिन याद रहे कि हमें पहले इंडिविजुअल आइटम्स को रजिस्टर करना पड़ेगा जब हम इंडिविजुअल आइटम्स को रजिस्टर कर लें तो हम एक से ज़्यादा आइटम को मिला के एक ग्रुप आइटम बना सकते हैं और उस पूरे ग्रुप की एक प्राइस दे सकते हैं जिस तरह हमने सिंगल आइटम की एक प्राइस दी हुई थी इसी तरह हम ग्रुप आइटम्स की एक प्राइस दे सकते हैं मिसाल के तौर पे हमने डिटर्जेंट पाउडर की प्राइस सौ रुपये है और वॉशिंग पाउडर की प्राइस दो सौ रुपये है ये इंडिविजुअल आइटम्स हैं लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम इसको लोगों के लिए थोड़ा सा डिस्काउंट करके एक आइटम के तौर पर मिला लें अगर हम दोनों को ऐड करें और सिंगल आइटम बनाएं ग्रुप आइटम तो हम कह सकते हैं कि हम इसकी प्राइस तीन सौ रुपये के बजाय दो सौ पचहत्तर रुपये है तो आपको अब क्लियर हो गया कि हम एक से ज़्यादा इन्वेंट्री आइटम को जमा करके एक ग्रुप आइटम बना सकते हैं और उसकी अपनी इंडिविजुअल प्राइस रख सकते हैं लेकिन याद रहे इंडिविजुअल आइटम बनाना ज़रूरी है क्योंकि जब ये चीज़ सेल होगी तो दोनों की इन्वेंट्री में से उतनी तादाद कम हो जाएगी जितनी सेल की गई है आइटम जब भी सेल होगा उसकी तादाद उस मकदार से कम हो जाएगी जितनी मकदार सेल की गई है लेकिन जब ये ग्रुप सेल होगा तो ग्रुप में भी दो या उससे ज़्यादा आइटम की इन्वेंट्री की पोजीशन ये होगी कि वो कम हो जाएंगी इसके अलावा हम क्विक बुक्स में डिस्काउंट का भी एक आइटम बना सकते हैं डिस्काउंट का आइटम इस तरह से होता है कि बहुत सारी अशिया पे ऐट एनी गिवन पॉइंट ऑफ द डे और द वीक वी अनाउंस अ डिस्काउंट हम अनाउंस करते हैं कि इस सेक्शन में या इन अशिया के ऊपर हम डिस्काउंट दे रहे हैं उनकी अमाउंट वही रहती है लेकिन डिस्काउंट का हम या तो कोई परसेंटेज दे देते हैं या रुपयों में कोई अमाउंट दे देते हैं मिसाल के तौर पर डिस्काउंट दस परसेंट भी हो सकता है और दस रुपये भी हो सकता है ये दोनों फैसिलिटी आपके पास क्विक बुक्स में मौजूद है आप चाहें उसे परसेंटेज में दे दें दे या चाहें उसे आप फिक्स्ड अमाउंट में दे दें जब भी आप डिस्काउंट देंगे तो ओरिजिनल उसकी सेलिंग प्राइस से उसके दाम उतने कम हो जाएंगे इसके बाद एक और टाइप ऑफ आइटम है उसे कहते हैं पेमेंट आइटम बहुत सी सर्विसेज ऐसी होती हैं जिसकी पेमेंट हमें यकमुश्त नहीं मिलती बल्कि पार्शल पेमेंट मिलती है मिसाल के तौर पे आपके पास कोई गाड़ी ठीक करवाने आता है डेंटिंग पेंटिंग करवाने आता है आप कहते हैं कि ऐसा करें कि 20 परसेंट आप मुझे एडवांस दे दें और बाकी जब काम आपका हो जाएगा तो आप पैसे दे के अपनी गाड़ी ले जाएं। जब भी आपने एडवांस लेना है आप इसका एक पेमेंट आइटम बना सकते हैं जब उसकी फाइनल एडवाइस बनेगी और आप उसमें पेमेंट जो आपने उससे पहले वसूल कर ली एडवांस में उसका एक आइटम डालेंगे तो ऑटोमेटिकली बैलेंस अमाउंट ही उसकी इन पे पर नज़र आएगी इसका मतलब ये हुआ कि हम पेमेंट का एक आइटम बना के अपनी तमाम एडवांसेस को भी कैप्चर कर सकते हैं और अपने पास रिकॉर्ड कर सकते हैं आखिर में जो आइटम है वो है सेल टैक्स की आइटम सेल टैक्स की आइटम इसलिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक वक्त में टैक्स या सेल टैक्स के मुख्तलफ़ नौीय के टैक्सेस लागू होते हैं मिसाल के तौर पर प्रोवेंशल टैक्स या सेंट्रल या फेडरल टैक्स और बज दफ़ा ऐसा होता है कि दोनों टैक्सेस आपके ऊपर लागू होते हैं हम सेल टैक्स प्रोवेंशल को एक आइटम बना सकते हैं और फेडरल टैक्स को एक दूसरा आइटम बना सकते हैं और अगर हमें पता है कि इस सर्विस पे या इन गुड्स पे दोनों टैक्स लागू हैं तो हम जिस तरह से हमने पिछले इन्वेंट्री आइटम को ग्रुप किया था इसी तरह हम टैक्सेस को ग्रुप करके एक सेल टैक्स ग्रुप बना देते हैं जिसे सिलेक्ट करने पे आप दोनों टाइप ऑफ टैक्सेस एक ही वक्त में उसकी कटौती हो जाती है लेकिन क्योंकि आपने परसेंटेज पीछे डिस्क्राइब की हुई है इसलिए वो सही तरीके से अपने अपने, अपने अकाउंट्स में रजिस्टर हो जाते हैं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम लेट मी रिपीट दिस वॉट यू कैन डू इज क्रिएट अ सेल टैक्स ग्रुप वेयर प्रोविंशियल एज वेल एज फेडरल टैक्स आर ग्रुप टूगेदर इन टू अ सिंगल आइटम एंड वेन एवर दिस डिडक्शन इज बेड द करेक्ट एंट्री इज मेड इन टू द प्रोविंशियल टैक्स एज वेल एज द फेडरल टैक्स सो नाओ यू नो द मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स विच आर अवेलेबल टू यू विद इन क्विक बुक्स एंड हाउ टू यूटिलाइज दम इंडिविजुअली किस तरीके से इन्हें करना है एग्जाम्पल के साथ और स्क्रीन शॉट्स के साथ वो हम अपने नेक्स्ट सेशन्स में देखेंगे लेकिन दिस वॉज अ जर्नल ओवर व्यू ऑफ डिफरेंट आइटम्स अवेलेबल टू अ यूजर विद इन क्विक बुक्स Thank you so much.